अरे ये कांग्रेस है, वो बोना साहब प्रधानमंत्री बना रखा था जो गली गली हंडी जाया करता था, अहिर जाति का हूँ, राव दान सिंह अहिर जाति का था और मैंने उसको वोट नहीं दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैंने वोट किसी की रहा है, मतलब कांग्रेस तो वोट न देने का, राहुल गांधी तो उनका टकाटक 800 रुपया 1 जुलाई से टकाटक 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 बोलने, टकाटक टकाटक फिर भागेंगे खटाखट खटाखट। वो केजरीवाल ने दिल्ली में किया था बिजली माफ, वापिस ले लिया उसको ऑर्डर को। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ रहे हैं यार, अरे 1100 भी हो लिया, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 900 को छू लिया। मेरे पास अभी तेरे को वीडियो दिखा दूं जिसमें राम राम भाई, सारे भाई आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई जो है दिनोद की गौशाला है और आपने बेरा है भाई, 4 तारीख ने जो है रिजल्ट आओगा तो उस तक पहले जो है सर्वे करा आखिर भाई के कुछ चल रहा है, किसकी के कितनी टिकट आऊंगी, दिनोद गांव तक किसका के रहेगा, तो सारी बात करांगे। कल जो है आपने वीडियो बनाई तो बोले भाई सुंदर ये किसका इंटरव्यू करा है। देखो विचार सबके जो है लेने चाहिए, कोई स्पेशल ये नहीं है कि भाई देखो आप जो सर्वे करा हाँ धरातल तक जुड़े हुए करा हाँ, धरातल पर जो बात हो है वे करा हाँ, ना कोई बड़ी बनाई। तो फिलहाल जो है मौजूद आप दिखा दे भाई ये देखिए, और मेरी एंट्री होगी है, मेरी एंट्री ऑन दी है जो है भाई, एक बार राम राम कराए, राम राम जी सारे ने ठीक सो चलो। तो भाई जो धरातल की बात है वे बुझाएं थोड़े हक ना जाओ जी, राव साहब राम राम, राम राम जी राम राम, ठीक सो सब सभी आपके सभी दर्शकों को राम राम, बिल्कुल ठीक है भाई जी। तो भाई पहली वीडियो बनाई बड़ा अच्छा जो है प्यार मिला और फिर आगे हाँ प्रकाश राव के पास क्यों जी, चलो तो आज बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए आप। हाँ हाँ तो आज आप बात करांगे राजनीति की, गौशाला की जो है पक्ष बात करांगे, तो दिनोद गांव तक कौन जीत रहा जी, कितने वोटा जीत रहे? देखो सुंदर ये तो एडजेक्ट कहना तो देखो संभव नहीं है भाई, कौन कितने वोटा दिनोद में जीतेगा, हाँ इतना हम कह सका हाँ कि भाई यहाँ से मतलब लीड में चौधरी धर्मवीर सिंह है, अच्छा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लीड पक्का है उनकी, चाहे दो वोटों से हो अच्छा। बट दिनोद से वो लीड लेके जाने वाले हैं। ऐसा क्यों जी, मतलब राव दान सिंह की जो है अच्छी लहर बता रही थी भाई। अब देखे आपने सुंदर, मैं आपको बताऊंगा कि आपने देश में जनरली वोट्स जो है कास्टिज्म पर ज़्यादा हों से अच्छा। ये हमारा दस्तूर बन रहा है, मैं तो 62 साल हुए मैं देख रहा हूँ कि हम जो है जाति अच्छा, के नाम शुरू तो पड़ा हाँ जाति के नाम, अभी थोड़ा बदलाव आने लग गया कि जात अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो है पढ़ाई लिखाई बड़ी है, एजुकेशन बड़ी है, तो लोगों के ऊपर उसका एक असर दिखाई दे रहा है कि आज हम कास्टिज्म पर वोट नहीं डाल रहे। अब मैं अहिर जाति का हूँ और राव दान सिंह अहिर जाति का था और मैंने उसको वोट नहीं दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ मैंने वोट किसी और को दिया, हालांकि ये नहीं बताऊँगा किसको दिया है, लेकिन कांग्रेस को तो पक्का नहीं दिया। तो यदि इसमें यदि जातिवाद होता तो मैं फिर राव दान सिंह को देना चाहिए था, ना केवल मैंने अपना दिया बल्कि 5-10 वोट जो जिनको मैं समझा सकता था वो हमने जो है जो तैयार थे शायद कांग्रेस को वोट देने के लिए वो बाद में अपना जो है मन बदल गए, ठीक है ना। तो ये है, तो देखो आप नू को निकावांगे कि आपने बाट वोट जो है क्यों नहीं डाला, मतलब के कुछ रहा, अच्छा कारण के रहा है, मतलब कांग्रेस तो वोट न देने का। यार कांग्रेस ने पूरा देश को बर्बाद कर दिया है, तो है नहीं है? 10 साल तो है नहीं। अरे भाई वो दस साल में ना जिन स्टेटों में है वहां बर्बाद, कौन बोलता है सत्ता में नहीं 10 साल से, जिन स्टेटों में वहां देखो कर्नाटका में जो कुछ बनाया गया था वो सब पलट दिया है उन्होंने, आप सोचिए। और जो है उनके नेता कितने यार पागल टाइप के हैं, और वो 10 साल पहले तक तो वो इतना कर चुके कि अगले 50 साल हम शायद उबर भी ना पाएंगे उससे, 50 साल कोई दूसरी पार्टी सत्ता में रहेगी तब उस चीज को रीइंस्टेट यानी उसका जो है पुनर्स्थापना कर पाएगी। उन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट बना दिए हैं यार, उन्होंने तो संविधान की प्रस्ताव, ये लोग बोलते हैं ना मोदी बदल देगा संविधान को, मोदी ने सिर्फ 370 वाली एक अमेंडमेंट की है छोटी सी जिसमें पूरे देश में भूचाल आ गया, और कांग्रेस ने तो 39 बार संविधान को में अमेंडमेंट किए बदलाव किया है,
और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने तो जो प्रिंबल होता प्रस्तावना संविधान की वो तक बदल डाली हमारी। तो आप बताइए वो संविधान किसने बदला? वो बदलने वाला मोदी को बता रहे हैं, खुद 39 बार बदल के जा रहे हैं। यार ये बात हजम होने वाली नहीं। आप देश के लोगों को कब तक, आप 10 साल में सत्ता में नहीं है तो बेवकूफ बड़ा। अब ये बताइए 10 साल पहले किस ग्राउंड पे गए थे ये सत्ता से, ये पूछिए क्या 10 साल में। लेकिन हमारी जनता इतनी भोली भाली 10 साल में भूल गए। अरे ये कांग्रेस है, एक वो बोना सा प्रधानमंत्री बना रखा था जो गली गली हैंडी जाया करता सोनिया गांधी का। यार ये बताओ देश का बट्ठा बिठाया और उसने देश के सभी स्रोतों पे पहला किसका बताया था? मतलब जो है सनातन के तो इतना एंटी है। मैं बोलता हूँ ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? एक जो पार्टी है वो पूरा जो है, बल्कि बीजेपी के ऊपर क्रिमिनल होने का जो है आरोप लगता है हमेशा, लेकिन क्रिमिनल तो ये दूसरे हैं यार। हिंदू मुस्लिम बीजेपी कहाँ कर रही है? हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस ने तो ऐसे एक्ट बनाए, हिंदुआ गला घोटा और उनको ऊपर ले आई। तो कौन है क्रिमिनल है कौन? ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं यार। ये बात थोड़ा सा समझदार आदमी होगा तो उसको कभी हजम नहीं होगी। तो कांग्रेस का डूबने 10 साल पहले कांग्रेस क्यों डूबी आखिर, इस पे विचार कीजिए। और आज वो पता है 10 साल पहले जिन कारणों से वो डूबे थे, आज वो उनका मैनिफेस्टो पढ़ा आपसे, आज वो उससे भी तकड़े प्रस्ताव लेके आए। उनका मैनिफेस्टो पढ़िए आप, देश को बर्बाद करने वाला है राहुल गांधी तो उनका टका टक टका टक टका टक। राहुल गांधी 1,00,000 रुपए हर गरीब के खाते में भेज रहा है, 8,500 रुपया 1 जुलाई से टका टक टका टक टका टक बोलने नहीं होता। राजीव गांधी को शायद अर्थमेटिक का गणा गुड़ा भाग शायद आता नहीं है, उसको नहीं आता होगा, उसके चमचे को भी नहीं आता होगा। भाई साहब खुद कांग्रेस बोलती है 80 करोड़ आदमी गरीब है, तो 80 करोड़ को जाएगा नहीं टका टक, तो 80 करोड़ को 8,500 रुपये पर मंथ यानी 1,00,000 रुपये सालाना आप गुणा करके देखो, इतना तो पूरे इस देश का बजट ही नहीं है। कहाँ से देंगे टकाटक टकाटक, फिर भागेंगे खटाखट खटाखट। ये यार ये बनावटी बातों में कौन भरोसा करेगा? अब मेरे पास हाथ में 10,000 रुपये हैं और मैं पंगा ले रहा हूँ 90,000 का, तो कैसे पूरा हो पाएगा वो? समझाए ना फिर राजीव, फिर उसने राहुल गांधी ने समझाया क्यों नहीं? बिजली माफ भी कर रहे हैं, ये तो भट्ठा बिठाने वाले काम है। वो केजरीवाल ने दिल्ली में किया था बिजली माफ, भट्ठा बैठ गया, अभी उसने वापस ले लिया उस ऑर्डर को, अभी उनके बिल आएंगे इस महीने से आएंगे। स्वाति यार उसने घोषणा नहीं की, वो उनकी जो मंत्री है उसने, वो लेडी है जो, उसने क्लियर बोला पंजाब में, पंजाब में भी देखना जल्दी, पंजाब का तो भट्ठा बैठा पड़ा है, तो इतना कर्जवान हो रखा है कि भैया पंजाब में तो जल्दी उन्होंने वापिस नहीं लिया तो वैसे ही जो मर जाएंगे वो भट्ठा बैठा पड़ा है उनका, कितना कर्जा उनके ऊपर सिर पे चढ़ा पड़ा है ये किसी को पता ही नहीं है। और 6,000 पेंशन बता रहे हैं बुड्ढे की, किस कौन से राज्य में? अपना हरियाणा में करने की कह रहे हैं। अरे भाई अपना देखो ठीक है वो, हाँ तो कांग्रेस ही ऐसे वादे तो करते रहते हैं भाई। तो कांग्रेस ये पहले क्यों 10 साल पहले था उड्डा करके क्यों नहीं गया, जब तो ना बढ़ाया उसने कुछ भी, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था। इब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ रहे हैं यार क्यों? अरे अरे भाई 10 साल में सुनो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊंगा, आप टेबल को देखिए सुंदर, 2004 से और 2014 तक कितने प्रतिशत रेट बढ़े थे, और 2014 से 24 तक कितने, आप कंपेयर यानी उसकी तुलना करोगे तो कांग्रेस राज में ज्यादा मतलब अनुपातिक ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, लेकिन वो क्योंकि 10 साल पुरानी बात होगी और वो लग रहा है कि यार वो कहा ना भाई ताजा लिपिया दिखा है, तो ये ताजा लिपिया दिखा है, पुराना दिख रहा कोई नहीं, वो दब लिया नीचे लोग, मैं ये अभी कई दिन में लोग मारे इतने हिंदुस्तानी बोले लोग हैं भूल जाए सब क्या ही नहीं। अच्छा यदि ये नु कहे 820 का सिलेंडर मिल रहा है नहीं, 820 का सिलेंडर का रोना रो से ये, और 1100 भी हो लिया जी, और 1100 भी हो लिया, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 900 को छू लिया। मेरे अभी तेरे को वीडियो दिखा दूं जिसमें श्रीमती रेणुका चौधरी ने सवाल किया जनता ने कि जी तो 900 का तो महंगा है, तो रेणु हम तो गरीब आदमी, रेणुका चौधरी ने बोली हाँ गरीब हो तो 900 का मिला, गैस जलाते टाइम आप गरीब नहीं, आप ही गरीब है बाकी तो कोई गरीब ही नहीं। रेणुका चौधरी का वीडियो है यार जो 2013 का, तो बताइए जब कांग्रेस टाइम में 2014-13 में 900 रुपये सिलेंडर छू चुका, और यदि आपको 2024 में आके 820 का मिल रहा है तो यार वो महंगा कैसे हुआ? ये तो बड़ा यार शरारतपूर्ण सौदा लग रहा है सारा, इसको महंगा बताना, समझ से बाहर की बातें हैं जी। अच्छा
रोहतक की बात करा पा, रोहतक में किसका की? भाई रोहतक में देखो ज्यादा तो जीत के आसार हैं अपने उसके उड्डा के, हाँ वहाँ बीजेपी हार सकती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक तो कैंडिडेट इतना मजबूत नहीं है, सख्त नहीं है, फिर दूसरे राजनीतिक कारण और वो कास्टिज्म वाले भी कारण है वहाँ। हमारा एक जो है कास्ट का एक समुदाय है वो बीजेपी से नाराज है और वहाँ उसका बेल्ट भी है, तो वहाँ जीत निश्चित है। और सोनीपत में भी जीत निश्चित है इनकी, कांग्रेस की। अच्छा। हाँ मैं अभी मुकान गया था अलमे गाँव में, गोवाणा में। अच्छा। गोवाणा के नजदीक, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो कांग्रेस से मतलब सब कुछ घर घर सब पटे पड़े हैं। अच्छा। तो सोनीपत में मतलब मेरे को संशय नहीं लग रहा कि मतलब जो है कांग्रेस सीट निकालेगी वो पक्का। हिसार में नहीं निकालेगी, हिसार तो बीजेपी की है। बीजेपी, हाँ। गुड़गांव बीजेपी की है। करनाल बीजेपी की है। सिरसा में 50-50 है, कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो भाई देखो राव साहब ने जो है पूरा जो है भाई राजनीति में इतने घुस रहे हैं, तो मैं तो कहूँ कि आप नए टिकट मिलने चाहिए कितने की देता है। नहीं यार क्यों जी, बोलन का बेरा ना जी। हाँ टिकट तो हाँ जी पंडित जी। राम राम। राम राम भैया। तो किसका के जोर लगा इसकी बार भाई? अपना किसी आ जाए बंद करके खड़ा पड़ेगा। अच्छा गलत के हिसाब है नू से आका पता बड़े तोड़ा अपना वोट ले हैं गिरवा कोई किमी कह दे है कोई किमी का मतरा नू कर दूँगा मतरा घर बनवा दूँगा कच्चा को रहने जो नलका करना होगा गैस इलेक्शन करना होगा सब का भाई देख रखा है अपने वोट गिरवा ले हर पास वोट ज्ञान देनी कोई इस मतलब काम करी काम चल काम करी काम चल लगा अपना तो जितने छोड़ होगी उतने पैर पसंद नहीं बेफालतू का ना तो अपना दोनों कोई आवे ना अपन कोई देवे ठीक है राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा अच्छा राम राम। राम राम ठीक सो ठीक राम भाई। तो आपने भी आपका पूरा जीवन अड़े लगा दिया। अड़े राम भाई। अच्छा बात करा पा द्रिनोद की, द्रिनोद तक कौन जीत रहा जी? भाई बद देखो दोनों टक्कर भी सर भाई धर्मवीर की भी बात बताऊं से कोई आप उसकी राव को बता दी। अच्छा अच्छा हाँ। मतलब बराबर साइज होता है? बराबर का चल दिया बताऊं भाई बे कि कोई नहीं भरोसा है बक। ऊपर किसकी सरकार है? ऊपर तो इसके प्रधानमंत्री यो ही रहेगा मोदी। यो काम करवाओ है बढ़िया कर रहा है चाहे भाई किमी करो यो मर्जी तो उससे की है प्रधानमंत्री वगैरह फिर उसने कुल रोकेगा भाई। अच्छा परिवर्तन होना चाहिए के? क्या कहा सत्ता का भाई वो तो देखो वो तो पढ़नी लिखनी करें आप बाल बाल बेरा बड़ा पलवान राम ठीक सो बढ़िया क्या कुछ है क्या कहा इलेक्शन का कौन सी सरकार? सरकार तो भाई जुआ खेल है करा कौन सी है जा। अच्छा फिर भी आपके आंकड़े क्या कर रहे हैं? आंकड़े के क्या थे? आंकड़े तो मोदी के हैं। मोदी के? अच्छा ठीक मोदी के हैं। हाँ जी आपका विचार? मोदी आओगा जी। मोदी आओगा मोदी। अच्छा इसने बोल दिया। अच्छा हाँ जी तो आप बैठे हो जित तो नहीं कर रही ना 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 मेरा इन पर कोई दबाव नहीं मैं किसे भाई नू दबाव बनानी है। अरे तो इलेक्शन भी हो चुके है ये तो आप बातें को नहीं। अरे ये जुड़े तकरीबन उम्र में मेरे बड़े हैं यार मेरा दबाव मैं किसे ना दबाव बना करूं मन यार कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है मैं तो भरेगा मैं कह चुके पंच। अच्छा सुनिए सुंदर मैंने पंची का भी इलेक्शन कौन लड़ना आप इन लोभे को नहीं यार मोह माया का कोई लोभ को नहीं आप इन के करना राजनीति समाज सेवा तो कर सको समाज सेवा तो करने लग रहे हैं इलेक्शन उसमें आके राजनीति में ना 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 समाज सेवा हम बिना भी राजनीति हम कर सका हम बल्कि राजनीति एक्चुअली राजनीति में आके समाज सेवा का एक रास्ता तो वो है लेकिन आदमी क्या भ्रष्ट हो जाता है उसमें। तो नहीं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड हो ना जी आप देखो यार जब तक आए हो तो बता रहे हैं कि अच्छी जो है गौशाला चल रही है अच्छा खाने मिला है और साफ सफाई भी देखने मिली। देखो सुंदर गौशाला में राजनीति में बहुत फर्क है गौशाला एक अलग संस्था है या एक हमारी जो है सामाजिक और पवित्र संस्था है ठीक है कोई बात को नहीं थोड़ा टाइम के लिए हो जाए लेकिन राजनीति में क्या है जब जहाँ कीचड़ उछड़ रहा है और आप पास में निकल रहे हो तो आप किस तरह बचोगे छिट्टे तो आपके लग गए जाएंगे तो इसलिए पॉलिटिक्स तो मतलब अंग्रेजी में एक कहावत है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम बहुत गंदा खेल है ये तो इसमें साफ आदमी चले जा ये तो संभव है कोई नहीं साफ चले तो जाए लेकिन वो साफ बने रहे ये संभव नहीं है तो इसलिए पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके धन्यवाद।
तो भाई आपने जो है विचार सुने और प्रकाश राव के बारे में क्या कहना है, कितनी बात सही कही है, कितनी गलत है, भाई आपने क्या लगा है, किसकी सरकार आओगी, कौन जो है भिवाणी महेंद्रगढ़ तो जीत रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।